पाकिस्तान से लेकर चीन की सीमा तक भारत के पास ऐसे हथियार आ चुके हैं जो किसी भी आतंकी हरकत को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे। ये हथियार अमेरिका और रूस से भारत को मिल गए हैं और अगली खेप आनी बाकी है। पाकिस्तान और चीन की हाल के दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC में आपत्तिजनक गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारत के पास अमेरिका से अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल अमेरिकी 6 और रूसी AK-203 आ चुकी हैं और अगली खेप जल्दी मिल सकती है। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत ने अमेरिका के साथ 837 करोड़ की डील की है, जिसके तहत भारत अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त 6 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका से डील के तहत 7.62x51mm कैलिबर वाली SIG-716 पेट्रोल राइफलें खरीदी जाएंगी। ये राइफलें 600 मीटर तक सटीक मार कर सकती हैं। इन राइफलों को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात पैदल सेना बटालियनों को दिया जाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका से डील के बीच भारतीय सेना को रूसी राइफल AK-203 की पहली खेप भी मिल गई है। इसी के साथ 3 दशक से ज्यादा समय से भारतीय सेना की ताकत रही INSAS यानी इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल अब इतिहास होने जा रही है। असॉल्ट राइफल अमेरिकी 6 और रूसी AK-203 इनकी जगह ले रही है। सूत्रों की माने तो रूसी राइफल AK-203 भारत में ही बनी है, ये UP के अमेठी जिले में बन रही है। भारत और रूस ज्वाइंट वेंचर इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका निर्माण कर रही है और उसने 35,000 AK-203 राइफल रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में बनी 6 की खासियत क्या है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस राइफल के शामिल होने से INSAS राइफलों को हटाया जा सकेगा, क्योंकि उसमें 5.56x45mm की गोलियां लगती थीं और इस गन में 7.62x51mm की गोलियां लगती हैं। ये ज्यादा ताकतवर गोलियां होती हैं। 6716 अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती है। यह ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। इसकी रेंज लंबी है। इसकी सटीकता 100% है। इसकी मदद से स्नाइपर हमला भी किया जा सकता है। इस राइफल की लंबाई 34.39 इंच है। इसकी बैरल यानी नली की लंबाई 15.98 इंच है। इसका कुल वजन 6.58 किलोग्राम होता है। रिपोर्ट्स की माने तो एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम वाली राइफल है। इसमें 7.62x51mm नाटो ग्रिड की गोलियां लगती हैं। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां आती हैं। इसके ऊपर एडजस्टेबल फ्रंट और रियर ऑप्टिक्स लगा सकते हैं ताकि दूर बैठे दुश्मन को भी मार गिरा सके। इसकी रेंज 1,970 फीट होती है। दिलचस्प बात यह है कि 6716 राइफल हर मिनट 685 राउंड फायरिंग कर सकती है। दुनिया में इसके 4 वेरिएंट मौजूद है। पहला 6716 CQB, ये राइफल नजदीकी लड़ाई के लिए बनाई गई है। इसका आकार छोटा होता है। दूसरी है 6716 कार्बाइन, जो कार्बाइन का फॉर्मेट है। तीसरी है 6716 पेट्रोल राइफल यानी ओरिजिनल लेंथ वाली राइफल। और चौथी है 6716 प्रेसिशन मार्क्समैन, यह वेरिएंट भारी होता है। इसकी बैरल की लंबाई 20 इंच होती है यानी ये स्नाइपर के लिए बेहतरीन मानी जाती है। ये सेमी ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आती है यानी 6 राइफल्स के आने पर ये LAC पर चीन और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए बेहतर साबित होंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News18 India और जल्द के साथ।